तो सहारनपुर में अभी भी सर्दी का सितम जारी है। आपको बता दें कि दो दिन से लगातार कोहरा पड़ने से पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। ऐसे में बेसहारा लोगों की परेशानी बढ़ गई है, लिहाजा प्रशासन ने रैन बसेरों में पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था भी की है। अधिकारी समय समय पर रैन बसेरों का जायजा भी ले रहे हैं। तो सहारनपुर, जहां पर आपको बता दें कि सर्दी एक बार फिर बढ़ गई है, सहारनपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। इसके चलते कोहरे भी लोगों को अब परेशान कर रहा है। कोहरा जहां देखा जा रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़क गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। निगम द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है, बिस्तर लगाए गए हैं रैन बसेरा में। कोई भी व्यक्ति निराश्रित ऐसा है, कमजोर वर्ग का कोई आदमी फुटपाथ पर सोता ना पाया जाए। जो नगर आयुक्त महोदया हैं, उन्होंने मुझे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और उसकी मैं ड्यूटी का पूरी तरह से लगन मेहनत के साथ प्रबंध कर रहा हूँ। बाबू जी, अच्छी व्यवस्था है, जैसे सोने होने की यहाँ पर नगर निगम में। तो बाहर लेटे हुए थे, कौन लोग लाए आपको यहाँ पे? नगर निगम वाले। कैसी है निगम की व्यवस्था? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, अच्छी। नगर निगम ने बढ़िया सहायता कर रखी है भाई, जगह जगह जो है लकड़ी की डाल रखी है गरीब आदमियों के लिए। लेकिन थोड़ा बस ये है, जो फुटपाथ पर लोग हैं उनके लिए थोड़ा कम्बल उम्बल का इंतजाम हो जाए, कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है। जैसे लोग सूखे पड़े रहते हैं, कुछ खाने के लिए भी हो जाए उनके लिए। यहाँ तो ठीक है व्यवस्था, यहाँ पे अलाव वगैरह की है व्यवस्था? यहाँ तो बढ़िया है अलाव वगैरह का। मैं बैठा था कचहरी पुल पे। तो कैसी व्यवस्था लग रही है निगम द्वारा जो की गई है यहाँ पे? तो बहुत अच्छी लग रही है जी। हम तो डर रहे थे कि कहीं अपने कहीं वैसे न कर दें, लेकिन बाबूजी आए हमारे साथ में, हमको बहुत अच्छा लगा। तो अच्छी है निगम की व्यवस्था? हाँ जी, हाँ जी।